हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक रोबोट वाला इंट्रो लेकर के आया हूँ। तो इस इंट्रो को बनाने के लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको अपने प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सिंपली आपको यह करना है, अपने मोबाइल में कान मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, एक्सपेक्ट रेशियो को 16:9 सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका जो कान मास्टर है वो लैंडस्केप मोड में ओपन हो जाएगा और आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है, यहाँ ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसकी टाइमिंग को यहाँ 18 सेकंड तक कर लेना है, कुछ इस तरीके से, और ब्लेड को स्टार्टिंग में लाना है, फिर यहाँ से बैक लाना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो सिलेक्ट करना है। तो लोगो ऐड करने के बाद उसकी टाइमिंग को भी यहाँ एंड तक कर देना है, जितना बड़ा कि हमारा बैकग्राउंड है वहाँ तक, और यहाँ से बैक हो लाना है। फिर से आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है और आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम एक इंट्रो टेम्पलेट यूज़ करेंगे, जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ उसका लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बता चलो कि जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ वो सभी नॉन कॉपीराइटेड होते हो, यानी कि उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट ऐड करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे फुल स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से बैक खो लेना है, फिर यहाँ करना है प्लेट को यहाँ आगे की ओर लाना है और यहाँ आपको ग्रीन कलर नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रीन कलर को रिमूव करना है। तो यहाँ आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है। और यहाँ आपको कुछ पैरामीटर सेट करना होगा, तो आपको यहाँ 28 दिख रहा है तो उसको राउंड 41 तक कर देना है। फिर यहाँ से बैक हो लेना है, यहाँ प्लेयर में लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और उसको इस तरह से झूम करके बड़ा कर लेना है और यहाँ सर्कल के बीचों बीच प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। तो लोगो प्लेस हो जाने के बाद फिर हमें क्या करना है, कुछ 12-9 सेकंड तक प्लेयर को लाने के बाद अपने चैनल का नेम ऐड करना है। तो यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ चैनल का नेम डाल देना है, जैसा कि मेरा टेक्निकल 241 है तो मैं डाल देता हूँ। और नेम को ड्रैग करके नीचे लाना है, जस्ट लोगो के नीचे प्लेस कर देना है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आपको यहाँ डबल एक आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको डिस्प्ले को सेलेक्ट करना है और यहाँ मोनोटोन रेगुलर करके फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपके कान मास्टर में नहीं है तो आपको यहाँ कान मास्टर का स्टोर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। और अब हमें क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ आपको बहुत सारे कलर मिल जाएगा, आप जो चाहो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और नेम को थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि देखने में काफ़ी एट्रैक्टिव दिखे। और अब हमें क्या करना है, उसमें एक एनिमेशन डालना है, तो आपको यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ फेड को सिलेक्ट करना है और उसकी टाइमिंग को यहाँ 1.5 सेकंड तक कर देना है, फिर यहाँ से बैक हो लेना है। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा जो इंट्रो है वो बन चुका है। पहले आपको यहाँ से बैक हो लेना है और प्लेयर को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है और यहाँ आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ वीडियो को सिलेक्ट करना है और वीडियो फेड आउट को इनेबल कर देना है और उसकी टाइमिंग को यहाँ 1 सेकंड तक कर लेना है, फिर यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। तो गाइज ऑलमोस्ट जो हमारा इंट्रो है वो बन चुका है, एक बार मैं उसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इंट्रो बन जाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में एरो का आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है
और आप जो चाहे वो रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हैं, 4K तक का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट है तो। फिलहाल मैं रिकमेंड करूँगा 1080p को सिलेक्ट करना है, बिट रेट को हाई रखना है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, और यहाँ सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो आई होप कि गाइस हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंट्रो के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।